गुड मॉर्निंग एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, एक बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं मार्केट में कि सर, जो हम वॉलेट यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क या अदर जो भी हम वॉलेट को यूज़ करते हैं, अगर हम किसी दूसरी ब्लॉकचेन में कॉइन को कन्वर्ट करें तो हमें एक्सचेंज पे जाना पड़ता है, तब जाके हमारा कॉइन कन्वर्ट होता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वॉलेट के अंदर, यानी कि वॉलेट के वॉलेट में ही आप क्रॉस चेन में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपके सामने स्क्रीन को शेयर कर रखा है और इसमें आप देख रहे होंगे कि ये पॉलीगन की ब्लॉकचेन है, लेकिन जो पॉलीगन की ब्लॉकचेन है और इसके अंदर जितने भी ये कॉइन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब पॉलीगन के अंदर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे ये जो कॉइन है ये बाइनेंस की चेन में कन्वर्ट हो जाए या सोलाना की चेन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। लेकिन अब से पहले हम क्या करते हैं कि इन कॉइन को हम एक्सचेंज पे भेजते हैं और एक्सचेंज पे जाके वहाँ उसको कन्वर्ट करके तब जाके हम दोबारा इस पर वॉलेट पाते हैं। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारी फ़ीस बहुत ज़्यादा लग जाती है। पहले वहाँ पर सेंड करो, ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा, उसके बाद फिर वहाँ से विड्रॉल करो। लेकिन अब इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ना आपको एक्स्ट्रा फीस देने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे ये पॉलीगन वाला USDT पड़ा है मेरे पास 1.2, तो मुझे इसको पॉलीगन की जगह मुझे इसको BNB में चेंज करना है। तो BNB में चेंज करने के लिए गाइस, एक ब्रिज होता है, ब्रिज, आपने ब्रिज का नाम सुना होगा कि एक जगह से दूसरे जगह जब जाना, इनके क्रॉस चेन में कन्वर्ट करना, पॉलीगन को बाइनेंस में करना, बाइनेंस को पॉलीगन में करना या सोलाना में करना, तो कौन सा हम ब्रिज को यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हमें ब्राउज़र पे जाना है। और ब्राउज़र पे जाने के बाद में एक आपके सामने मैं ब्रिज को ओपन करता हूँ जिसका नाम है सिनपेस प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ये सिनपेस प्रोटोकॉल हो, ये आपकी इसको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। आप इसको जाके देखो, ये इसकी वेबसाइट है सिनपेस प्रोटोकॉल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद में हमारे सामने यहाँ पर ये ओपन हो गया। होने के बाद में सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, इसने लिख रखा फ्रॉम BNB चेन, यानी कि फ्रॉम BNB चेन से नहीं, मुझे पॉलीगन है ना, तो मुझे पहले यहाँ पर पॉलीगन लेना पड़ेगा। तो मैं पॉलीगन को ले लेता हूँ। पॉलीगन कहाँ पर है, पॉलीगन ब्लॉक चेन, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ पॉलीगन। तो यहाँ पर ये पॉलीगन मुझे अभी, तो खैर मुझे पॉलीगन मिल गई, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने ऊपर ले ली पॉलीगन, और नीचे लेना है मुझे किस चेन के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, मुझे करना है किसके अंदर, बाइनेंस की चेन में करना है। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ चेन को, तो मुझे बाइनेंस की चेन मैंने ले लिया है। अब देखो, ऊपर मेरा पॉलीगन हो गया, नीचे मेरी बाइनेंस की चेन हो गई। अब मुझे कितना कॉइन करना है, मुझे करना है 1 USDT, ठीक है ना, कितना, 1 USDT करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से करूँगा USDT ले लिया मैंने। अब USDT कितना है मेरे पास, 1 करता हूँ मैं आपके सामने, ठीक है ना, 1 को ले लिया मैंने यहाँ पर। और उसके बाद में नीचे भी देखो, मुझे 1 ही USDT मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा नॉट फाउंड ब्रिज 1 USDT, यानी कि 1 USDT नहीं होगा, मिनिमम इसके अंदर हो सकता है कि 10 हो जाए, 15 हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं एक करके देख रहा, तो एक नहीं हुआ है, तो इसलिए ऐसे ही कर सकते हैं गाइस। मैं पहले वॉलेट को कनेक्ट करता हूँ, देखता हूँ अगर ये हो जाता है वॉलेट कनेक्ट करने के बाद में। तो मैंने वॉलेट को कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ अवेलेबल बैलेंस में, तो मेरा भी यहाँ पर 0, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये आ गया, ठीक है ना। मैंने 1 सेलेक्ट किया और मेरा यहाँ पर बैलेंस शो हो गया, ये देखो 1.2 था मेरे पास, और मैंने यहाँ पर 1 को सेलेक्ट किया। और देखता हूँ मैं अगेन करके, अगर हो जाता है, अगर नहीं होता तो फिर मिनिमम 10 होगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, नहीं, इसने बोल दिया नॉट फाउंड, ठीक है ना, रोटेन फाउंड। तो इसीलिए गाइज, आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर ब्रिज वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, और आपका जो कॉइन है वो बाइनेंस की चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो, किसी भी ब्लॉकचेन में कन्वर्ट कर सकते हो वॉलेट के अंदर ही, बस कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी एक्सचेंज में जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वॉलेट के अंदर, चाहे आपका ट्रस्ट वॉलेट हो, टोकन पॉकेट हो, चाहे आपका मेटामास्क हो, सारा का सारा आप सिर्फ वॉलेट के अंदर ही एक दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेरे पास अभी सिर्फ $1 है, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो आपके पास अगर 10, 15 हो गए या 20 हो गए, तो आप इसको कर सकते हैं इजीली, और सेकंडों में आपका ये कन्वर्ट हो जाता है, जोन सी ब्लॉकचेन में आपको कन्वर्ट करना हो सकता है, ठीक है ना। तो आई होप गाइज, आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और देखो, यहाँ पर कुछ फीस तो लगती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 10 डाला है, तो यहाँ पर कुछ फीस लग रही है। तो यहाँ पर मैं 1 पॉइंट देखता हूँ, 1.2 अगर मैं डालता हूँ तो नहीं बोल मने कर रहा है ये, एक बार और मैंने इसको ट्राई किया तो नहीं मने कर रहा है। तो ये थोड़ा सा फीस भी लगता है, लेकिन ये है कि इधर उधर हमें भेजने से अच्छा है कि हम एक ही जगह फीस दे के अपने इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप गाइज, आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी।
गाइज अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।